पर्व त्योहारों को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार 26 अगस्त 2024 को देश के विभिन्न हिस्सों में जन्माष्टमी का धूमधाम से आयोजन होगा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाला यह उत्सव प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है। इस दिन देश भर में स्थित भगवान कृष्ण के मंदिरों को भव्य रूप से सजाया जाता है। जन्माष्टमी के दिन प्रभु श्री कृष्ण से जुड़े स्थानों द्वारका, मथुरा, वृंदावन, पुरी और उडुपी में उत्सव का आयोजन किया जाता है। इस दिन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और भगवान कृष्ण को 56 भोग भी चढ़ाए जाते हैं। वृंदावन, मथुरा और स्कॉन मंदिर में भव्य तरीके से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम के साथ वृंदावन मथुरा में मनाया जाता है। वहीं उड़ीसा के पुरी में भी मथुरा वृंदावन जैसे ही हफ्ते भर पहले से जन्माष्टमी का जश्न शुरू हो जाता है। इनमें भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित कार्यक्रमों का आयोजन खास होता है। उनकी झांकियां निकाली जाती हैं। रात में होने वाली आरती देखने का तो अलग ही आनंद है। इसके अलावा पुरी में भी कई और जगह आप घूमने का मजा ले सकते हैं। गुजरात के द्वारका में भगवान श्री कृष्ण का पौराणिक मंदिर है। मथुरा छोड़ने के बाद वो द्वारका ही आए थे। गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर अद्भुत है। वैसे तो पूरे साल ही इस मंदिर में भक्त दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी के मौके पर तो दुनिया भर से दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ती है। मंदिर में दर्शन के साथ ही यहाँ आसपास भी कई जगह है जहाँ आप घूम फिर सकते हैं। उडुपी में श्री कृष्ण दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। भगवान कृष्ण की पूजा करने के लिए हजारों भक्त इस मंदिर नगर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की कृष्ण मूर्ति भगवान कृष्ण की सबसे सुंदर मूर्ति है। यहाँ भगवान कृष्ण को एक छोटे लड़के के रूप में दर्शाया गया है। मूर्ति को सीधे नहीं देखा जाता, बल्कि नवग्रह किटकी नामक 9 छेद वाली खिड़की के माध्यम से देखा जाता है। उडुपी को दक्षिण भारत का मथुरा कहा जाता है। उडुपी श्री कृष्ण मंदिर और मठ की स्थापना 13वीं शताब्दी के दौरान श्री माधवाचार्य द्वारा की गई थी।